जेईई 2025 को कुछ ही मंथ्स बचे हैं और आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी मैं कैसे पढ़ाई करूं कि मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और मुझे प्रॉपर रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए टाइम मिले। तो आज मैं उसी से रिलेटेड स्ट्रेटेजी प्लानर लेके आई हूं, तो आप इसको फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आप जेईई 2025 को क्रैक कर पाएंगे। सबसे पहले तो अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, हर चैप्टर को समझ लेंगे कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें कम क्वेश्चन आते हैं, किसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा। सेकेंडली, आपको अपना एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, ये भी आपके एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा। हर एक सब्जेक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस है, तो सारे सब्जेक्ट्स को आप इक्वली टाइम दें और इक्वली पढ़ें। सेकेंडली, आप ये देखें अब कि आप किस चीज में ज़्यादा कमज़ोर हैं, किस में आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, किस में आप स्ट्रांग हैं, आप इजीली कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए और उसको फॉलो कीजिए कि मुझे इसमें इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो मुझे इसको इतना टाइम देना है, इसमें मुझे इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो मैं कम टाइम भी दे सकता हूँ। अब ये एनालिसिस आपको पहले कर लेना चाहिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। आई होप कि आप स्टडी मटेरियल गैदर कर चुके होंगे, पर अगर नहीं किया है तो अब भी कर लीजिए। और वो स्टडी मटेरियल ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट के हम एक टॉपिक पे 10-10 बुक रेफर कर रहे हैं, तो वो अननेसेसरी कन्फ्यूजन भी होगा और टाइम टेकिंग इवेंट हो जाएगा। तो आपको ये अब अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है कि मुझे इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक को इस बुक से पढ़ना है, तभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे ऑन टाइम। और ऑन टाइम आपको अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट करना है। अगर आप ऑन टाइम अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हैं तो आपको रिवीजन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा अगर आप ये सब नहीं करेंगे। सेल्फ स्टडी कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। रिविजन और प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। जब भी आप अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में रिविजन का भी टाइम दीजिए, जिससे कि आप लास्ट में सब कुछ भूलेंगे नहीं और आपके माइंड में चीज़ें बनी रहेंगी। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद आप एनालिसिस कीजिए कि मैं किस पोर्शन में ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ, उसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, मुझे किस में कितना टाइम देना है, किस में मैं अच्छा हूँ उसमें कम टाइम दीजिए। ऐसे आप एनालिसिस करके अपने आप को लगातार सुधार कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व कीजिए, जिससे कि आप लास्ट ईयर के एग्जाम पैटर्न को, उनके क्वेश्चंस को, उनके चैप्टर वाइज वेटेज को समझ पाएंगे। थ्रू आउट द ईयर आपको पॉजिटिव रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, अपने टारगेट पे फोकस करना है और टारगेट अचीव करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है तो उसको अवॉइड करना है और अपने आप पे भरोसा रखना है और आगे बढ़ते चलना है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।